हेलो दोस्तों, ऐप अड्डा की वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीता लाइट वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या है, कैसे आप इसका यूज़ करके वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ मैं इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, और वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली सही से यूज़ करने के लिए ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। एप्लीकेशन को जो है आपको पूरा प्रॉपरली सही से ओपन होने देना है। और अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू है, नए है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की एप्लीकेशन की वीडियो पर मैं डेली डालते रहता हूँ, आपको डेली अपडेट करते रहता हूँ। नए नए एप्लीकेशन यहाँ पर मैं आपको बताते रहता हूँ, जो कि आपके डेली यूज के लिए बहुत ही काम कर रहे थे। इस तरीके से एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको लोकेशन बता देता है, करंट लोकेशन, योर आईपी एड्रेस देख सकते हो। उसके बाद नीचे की तरफ एक बीच में एक बड़ा सा होम बटन आपको मिलेगा, उसके नीचे यहाँ पर आपको वीपीएन सर्वर की लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, नीचे की तरफ आपको कनेक्ट लोकेशन और सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जो कोरिया देख सकते हो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो लोकेशन यहाँ पर आपको दिख जाती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कोरियन और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट और जापान की सर्वर ज़्यादा देखने को मिल जाती है, जो कि एकदम फास्ट सर्वर रहते हैं। इतनों में से कोई भी सर्वर पर क्लिक करके ईजिली आप अपना वीपीएन कनेक्ट कर सकते। जैसे कि आपने बहुत बार यूनाइटेड स्टेट का सर्वर कनेक्ट किया होगा, तो मैं आज आपको इसी ही सर्वर कनेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आ जाएंगे, तो आपको क्या करना, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ओके वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे आपकी कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएंगी, आपको कैंसिल वाले बटन पर नहीं क्लिक करना, नहीं तो आपका वीपीएन जो है कनेक्ट नहीं होगा। ओके वाले बटन पर क्लिक करने के बाद कनेक्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, और कुछ ही सेकंड के बाद दोस्तों आपका वीपीएन जो है कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो रिसेंट कनेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट जो कि मैंने सिलेक्ट किया था, टाइमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखा देगा, बिल्कुल ईजिली आप अपना वीपीएन जो है कनेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपनी हर प्रॉब्लम को ईजिली दूर कर सकते हो दोस्तों इस तरीके से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।